ट्रैवल करने के लिए हर कोई हमेशा तैयार रहता है और लोग अपने रूटीन से अलग घूमने जाना चाहते हैं। लोग अक्सर ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां उन्हें सुख और शांति मिले, लेकिन आजकल लोग हर चीज़ में रोमांच और खतरा ढूंढने लगे हैं। और आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे ही 5 सबसे खतरनाक टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में। नंबर 5, वॉल्केनो बोर्डिंग। खतरनाक जगहों पर घूमने वाले लोगों ने ज्वालामुखी तक को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, कुछ लोगों ने एक्टिव ज्वालामुखी के ऊपर से एक बोर्ड पर बैठकर नीचे फिसलने को अब एक स्पोर्ट बना लिया है, जिसे वॉल्केनो बोर्डिंग कहा जाता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में बेहद पुराने और एक्टिव ज्वालामुखियों पर चढ़ाई करके इस तरह फिसलने का आनंद उठाते हैं। हैरानी की बात यह है कि नीचे आते वक्त इनकी रफ्तार 85 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इस खतरनाक स्पोर्ट में आज तक किसी को चोट नहीं आई, लेकिन राइडर के मुंह में धूल और ज्वालामुखी की राख जाना तो स्वाभाविक बात है। नंबर 4, रोप एंड प्लैंक्स ब्रिज। आपने चाइना के उस ग्लास ब्रिज के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, जिस पर चलने में लोगों को बहुत डर लगता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चाइना वालों को अनोखे पुल बनाने का शौक चढ़ गया है, क्योंकि चाइना ने एक और उससे भी डरावना पुल बनाया है। चाइना का ये पुल 200 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, जिस पर चलकर लोग अपने आप को खतरों के खिलाड़ी साबित करते हैं। यूं तो इस पर चलने वाले लोग सेफ्टी बेल्ट से बंधे होते हैं, लेकिन यकीनन इस पुल पर चलना उससे कई ज्यादा खतरनाक और डरावना अनुभव होता है। नंबर 3, जिप वर्ल्ड वेलोसिटी। अगर आपने कभी उड़ने का सपना देखा है तो चले आइए यूके के इस जिप वर्ल्ड वेलोसिटी में, जहां आप सुपरमैन की तरह उड़ने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहां पर आपको कुछ सेफ्टी बेल्ट्स लगाकर एक ऊंची पहाड़ी से नीचे धकेला जाता है, और सेफ्टी बेल्ट्स के साथ साथ आपको हेलमेट और चश्मा भी पहनाया जाता है। इस राइड पर नीचे आते हुए आपकी रफ्तार 161 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच जाती है। ये राइड सिर्फ 2 मिनट तक चलती है, जो अपने आप में खतरनाक भी है और रोमांचक भी। नंबर 2, हॉशान पहाड़। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ तूफानी करने की चाहत रखते हैं तो चाइना का हॉशान पहाड़ आपके लिए है। कहते हैं कि अगर आपने इस पहाड़ पर अकेले पूरी चढ़ाई कर ली तो आप जीवन में डर शब्द का मतलब भूल जाएंगे। इस पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए अनेकों वायर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, ताकि किसी की भी जान को कोई खतरा ना हो। नंबर 1, ट्रॉलटुंगा। ट्रॉलटुंगा एक ऐसा पत्थर है जो कि दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और ऐसा क्यों है इस बात का अंदाजा आप इस पत्थर को देखकर लगा सकते हैं। नॉर्वे के एक पहाड़ पर 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पत्थर पर एक अद्भुत और डरावना नजारा दिखाई देता है, जहां पहुंचने में टूरिस्ट को 10 से 11 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है। बता दें कि यहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, और खबरों की माने तो हाल ही में यहां से एक ऑस्ट्रेलियन महिला की गिरकर मौत हुई है।